हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बांधों के बारे में। डैम से रिलेटेड सभी टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भारत का कौन सा डैम किस राज्य में बना है, किस वर्ष बनाया गया है, कौन सा डैम सबसे बड़ा है, कौन सा डैम सबसे ऊंचा है, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। साथ में जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो भारत में अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है और फ्रेंड्स ये कर्नाटका राज्य में है, जो कि 2005 में बनाया गया था। तो ये तीनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध, 2005 में बना था और किस राज्य में है, कर्नाटका राज्य में है, जिसकी एक पिक्चर भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध और ये महानदी पर बनाया गया है। फ्रेंड्स इसकी लंबाई है 25.7 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 25.7 किलोमीटर लंबा है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध ये रावी नदी पर बना है पंजाब के पठानकोट जिले में, जिसकी एक पिक्चर आप लोग यहां पे देख सकते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध ये ब्यास नदी पर है। फ्रेंड्स ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में बना है पोंग बांध। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी और कहां पर की गई थी? फ्रेंड्स भारत की प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी दार्जिलिंग में और किस वर्ष हुई थी, 1897 में। फ्रेंड्स ये एशिया की पहली जल विद्युत संयंत्र परियोजना भी है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? तो कल्पोंग जल विद्युत परियोजना ये अंडमान निकोबार में है। इनमें से कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है? तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर और ये फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। मैथान बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैथान बांध ये बराकर नदी पर बनाया गया है, जिसकी फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जबाई बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो जबाई बांध ये लूनी नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेणुका जी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो रेणुका जी बांध ये गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और जिसकी फोटो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? पीछे हमने डिस्कस किया था विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध के बारे में। यह क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। इसकी ऊंचाई है 260 मीटर और ये किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिहरी बांध, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह दो नदियों के संगम पर बनाया गया है, भागीरथी नदी व भीलांगना नदी, जो कि ये दोनों नदियां गंगा नदी की सहायक नदी है और इन्हीं दोनों के संगम पर बना है टिहरी बांध और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं बना है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी पर बरगी बांध भी बना है, ओमकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पर बना है, इंदिरा सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पर ही बना है, लेकिन बाण सागर बांध ये नर्मदा नदी पर नहीं बना है, ये है सोन नदी पर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नंगल बांध ये सतलज नदी पर बनाया गया है, जिसके फोटो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो फ्रेंड्स, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा सागर बांध ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, श्रीशैलम बांध ये कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है श्रीशैलम बांध। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? तो नागार्जुन सागर बांध ये है कृष्णा नदी पर। राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी, ऑप्शन डी। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो महानदी पर कौन सा बांध बना है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, इस बांध का नाम है हीरा कुंड बांध। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर बना है? तो फ्रेंड्स, चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर बांध, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये किस राज्य में है? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है नागार्जुन सागर बांध। यहाँ पे आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक इसको शेयर भी करिएगा, ताकि सभी को इससे मदद मिल सके। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध ये है नर्मदा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध किस राज्य में है? तो मेट्टूर बांध ये तमिलनाडु राज्य में है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर बना है तिलैया बांध, जिसकी फोटो आप लोग यहां देख सकते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ में जो फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।